पूर्णिया DSP सुरेंद्र कुमार सरोज की अगुवाई में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ अभी प्रदर्शनी में है। सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या ये मैसेज है इसके जरिए, क्या कुछ कर रहे हैं? मैसेज है कि आगामी जैसे रामनवमी पर्व है, MLC का चुनाव है, विधि व्यवस्था है, उसके संदर्भ में मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोगों को आज फ्लैग मार्च 8 बजे से लेकर के मतलब एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना था और हम लोगों ने उसके संदर्भ में ये फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का कुछ किस एरिया में भ्रमण हुआ आपका? पुलिस लाइन टू आरनसा चौक, भट्टा बाजार, लखन चौक, जिला स्कूल रोड होते हुए एंडिंग पॉइंट पुलिस लाइन। सर, इस दरमियान जो मैसेज होता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर के, रामनवमी को लेकर, लोगों से क्या अपील होता है इसके जरिए? मैं अपील यही करूंगा कि आगे में चुनाव है, उसमें और विधि व्यवस्था है, रामनवमी पर्व है, उसमें शांति से लोग मतदान करें और शांतिपूर्वक संपन्न कराएं पर्व को, यही मेरी अपील है वो लोगों से। अच्छा, पुलिस की जो खास नज़र है किन किन जगहों पर बनी हुई है कि ये आप ध्यान रखे हुए विशेष तौर पर? पुलिस की जो असामाजिक तत्व होता है उस पर हम लोगों की नज़र होती है, किस किस पॉइंट पर है ये आपको तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र उस पॉइंट पर है और वो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ही हम लोगों का हमेशा लगातार छापामारी होती रही है और आगे भी चलती रहेगी। सर, पूर्णिया पुलिस निकट दिनों में खासतौर से शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर के काफ़ी सफलता हासिल की है, तो निकट दिनों में इसका कुछ लग रहा है कि असर पड़ा है इसको सोशल? निश्चित रूप से पूर्णिया पुलिस तो लगातार काम ही कर रही है, आप लोगों के सामने भी है, लगातार हर बिंदु पर पुलिस काम कर रही है, शराब पर हो चाहे स्मैक पर हो, इन सारे बिंदुओं में पुलिस काम कर रही है और अच्छा सफलता भी मिल रही है और आम लोगों का, आम नागरिकों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो कमी दिख रही है सर उसमें? क्या काफ़ी कमी आ रही है इसमें? काफ़ी कमी हुई है, लोगों में जागरूकता, लोगों में काफ़ी जागरूकता हो गई है, तब हम लोगों को मैसेज, उन लोगों के माध्यम से मैसेज मिलता है कि अमुक जगह ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जबकि ये पब्लिक के तरफ से ही मैसेज मिलता है और हम लोग उस उनके बातों पर खरा उतरते हैं हमेशा। ये देख रहे हैं फ्लैग मार्च पूर्णिया SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज की अगुवाई में पुलिस की है और ये बड़ी संख्या में पुलिस बल, महिलाएं पुलिस भी शामिल हैं इसमें और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग रामनवमी को बेहतर माहौल में मनाएं, साथ ही साथ MLC का चुनाव है, वोटिंग भी है, तो वोटिंग भी आप अपने अधिकार का जो प्रयोग है वो काफ़ी बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और पुलिस बल के साथ घूम घूम करके शहर के वास लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वरीय अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और हम दिखाना चाह रहे हैं कि जिस जगह से शुरुआत इसकी की गई थी उसी जगह पर फिर इसकी एंडिंग भी होगी और ये बड़ी संख्या में पुलिस बल उस ओर जाती हुई। तो एक मैसेज है, सुबह का भ्रमण भी हो गया और एक मैसेज भी हो गया। पूर्णिया SP दयाशंकर के आदेश के आलोक में इस तरह से कार्रवाई कह सकते हैं या फिर हम ये कहें कि पुलिस की एक पहल है कि वो की जा रही है। निश्चित रूपेण ये पुलिस काम करती है समाज के लिए, समाज में शांति व्यवस्था तो स्थापित करने के लिए, तो उसके लिए पुलिस को जो कुछ भी करना चाहिए, आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए, समाज को जागरूक करने के लिए जो जागरूकता अभियान है वो चलना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं और ख़ास तौर से निकट दिनों में शराब को लेकर के, नशाबंदी को लेकर के पुलिस, पूर्णिया पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और कई लोगों को पकड़ा गया है, बड़ी मात्रा में स्मैक, गांजा और शराब बरामद किए गए हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई करके उसे जेल भेजा गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन पर पुलिस की तो नज़र है ही, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के सहयोग से पुलिस को जो असामाजिक तत्व है उस पर कार्रवाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। कोशियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।